तो भी गाइस हम चैलेंज कर रहे हैं। क्या चैलेंज है ना, जो जो बोतल है इसे खड़ा करना है भाई। कल तो गाइस पूरा शटरिंग वाला काम कंप्लीट हो गया था और आज हम सरिया वाला काम करेंगे। ऐसे रूम हो गया, अब ये देखो नीचे से इंटे देखो कैसे पहुंचा रहे हो ऊपर। गाइस पोपड़ हो गया आज हमारे साथ, ये देखो इसे हम डोगरी में बोलते हैं प्राली। तो अभी ये नीचे गिर गई है, अभी हम इसे तरवाल से ढक देंगे। तरवाल से ढक दिया है प्राली को। गाइस अभी हो रही है तगड़ी वाली बारिश, ये देखो भाई ये वाला पत्थर नहीं होता ना तो मैं पूरा भीग जाता, देखो बिल्कुल भी नहीं भीगा मैं आज। गाइस ओवरनाइट काम कर रहे है, ये वाली लाइटें लगा दिया रात को, दोनों बड़ी बड़ी लाइटें है भाई, बहुत ज्यादा इनकी लाइट है। तो काम करते हैं अब, 8 बंदे सरिया को बांध रहे हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज कब लोग स्टार्ट हो रहा है 3 बजे, और गाइस आज हम कर रहे हैं घर का काम। कल तो गाइस पूरा शटरिंग वाला काम कंप्लीट हो गया था और आज हम सरिया वाला काम करेंगे। तो अभी सरिया वगैरह काट रहे हैं, दिखा तो आप लोगों को, चल के चलो चलते हैं। तो भी गाइस हम चैलेंज कर रहे हैं, क्या चैलेंज है ना, जो जो बोतल है इसे खड़ा करना है भाई, ऐसे फेंक के। साहिल भैया अभी कर रहे है, नहीं हो रहे, अभी भी नहीं हुआ भाई, कितनी बार ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हुआ। एक मिनट हो गया भाई, अभी तक बाटल इन से हड़ी नहीं हुई भाई। क्या हो रहा है ये, 99% था, अभी खड़ा हो जाना था, मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। 3 मिनटों के अंदर बाटल हड़ी कर दी, अब मैं करता हूँ ट्राई। इसकी बारी है, दिखा फिर से करता नहीं, अब मैं सिर्फ 5 times फिर से अब नहीं होगा। लगातार अभी गाइस मैं करता हूँ यार, साहिल भैया ने तो कर लिया, वो चले गए काम करने के लिए, अब मैं करता हूँ ट्राई। चलो कर लिया भाई। जहाँ पे साहिल भैया, और कैसे हो? बस बताओ। ठीक, मैं भी ठीक। जे बनाना पड़ती है काम, तो डेली करेंगे। जे देखो गाइस सिर्फ इतनी सी ईंटे बजी है, बाकी सारी घर को ईंटे लग गई है, पता नहीं कितनी हजार ईंटे लगी है इस वाले घर को। शटरिंग वाला काम कल कंप्लीट हो गया था, चलो घर के अंदर चलते हैं, फिर छत के ऊपर चलते हैं। छत के ऊपर जाके सरिया का काम करते हैं। ऐसे रूम हो गया, अब जे देखो स्पोटे हो गई है हर एक कमरे में, देखो भाई ऐसा है कुछ। अभी फौजी भाई का घर, ये जो तार है ना ये जा रही है ऊपर, वहां पे काट रहे हैं सरिया, ऊपर कोई जा रहा है, वो ज्यादा आवाज हो रही है भाई। वो ये रूम है फौजी भाई के, चलो चलते हैं छत के ऊपर जाके मिलता हूँ। छत के ऊपर कुछ ऐसे चढ़ना पड़ता है, ड्रम के ऊपर पहले पैर रखो फिर ऊपर चढ़ जाओगे, मुझे भी ऐसा ही चढ़ना पड़ेगा। सभी देखो छत के ऊपर ही है। मनु ठीक कैसा है? पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो अभी सरिया डाल रहे हैं यहाँ पे। हाँ सप्लाई कर रहे, जहाँ से कर रहे हैं। देखो बादल भाई कितने ज्यादा आ गए, अभी बारिश हो सकती है मुझे लग रहा है आज रात को या कल, तो कुछ ऐसा है कल, पता नहीं कैसा दिखाई देगा जी सरिया डलने के बाद। नीचे से इंटे देखो कैसे पहुंचा रहे हैं ऊपर, नीचे फेंक रही है ऊपर, और जहाँ पे साहिल भैया पकड़ रही है। गाइस जहाँ पे है डैडी जी, डैडी कैसे हो, क्या कर रहे हो अभी? अभी वो भागे, क्या बोलते हैं इसको, जोर से बोलो थोड़ा, फिर आवाज नहीं आती है। बीम डालेंगे ना, बीम। अच्छा 16 का सरिया डल रहा है। अच्छा फिर कभी आप वीडियो देखोगे तो फिर याद करोगे ऐसे बना था घर है ना। गाइस जिस दिन ये पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाऊंगा कैसे कैसे बना था ये वाला घर। साहिल भैया बोल रहे हैं मेरी वीडियो बनाओ, नीचे से ईंटें फेंक रहे हैं ना, ये देखो कर लिया ना गाइस। अब भाई इससे नहीं होता क्या, बेकार बेर है हमारे यहाँ। हाँ वही लड़ाई होगी, सबसे हुई लड़ाई, सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा कर देंगे। लो
जहाँ पे मिस्त्री जी अभी काम कर रहे हैं। मिस्त्री क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरे को नहीं दिखाई देता क्या कर रहा है? मुझे क्या पता है, आप मिस्त्री हो जी, आपका काम है। जहाँ पे नीचे देखो विवेक भैया सरिया काट रहे हैं और इधर भी काट रहे हैं भाई, दो दो जगह पे सरिया काट रहे हैं। गाइस पहले हमारे घर पे धूप आ जाती थी जब ये वाला घर नहीं था शाम के समय, अभी हमारे घर पे धूप नहीं आएगी क्योंकि ये वाला घर आ गया। नीचे देखो कितनी ज्यादा गहरी हाई सी हो गई अब घर बनने के बाद। हाँ ट्रक बहुत ज्यादा जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या है आज काम कर रहे भाई अपना अपना, क्या है बहुत ज्यादा ट्रक जा रहे हैं आज, पता नहीं क्या चल रहा है इनका, इतने जने काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी हम सरिया को क्या करना, बांध रहा हूं इसको और क्या करना मुझे नहीं पता है, पहली बार कर रहा है। नहीं अपना भी किया था पर अब भूल गया ना, डेढ़ साल हो गया, कैसे भूल गया? डेढ़ साल के बाद क्या हुआ था, क्या हो गया नहीं चलता पता। अच्छा हाँ चलो गाइस अभी अपना काम करते हैं, सरिया को बांधते हैं। मैंने भी बांध, हाँ मैंने बांध रहे, मिस्त्री बोल रहा है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो मिस्त्री मारते भी है जे वाले मुझे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। गाइस पोपड़ हो गया आज हमारे साथ, ये देखो अभी अभी क्या हो गया यार, ये जो धान के पेड़ थे ना भाई ये नीचे गिर गया, हमने जहाँ पे छत के ऊपर इकट्ठा किया था अभी अभी नीचे गिर गया भाई, अब ठीक करना पड़ेगा हमें। जहाँ पे हम काम कर रहे थे मैंने देखा और वो नीचे गिर गया, अभी हवा भी नहीं चल रही है, बिना हवा ही नीचे गिर गया, उतनी ज्यादा हवा नहीं है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, इसे हम डोगरी में बोलते हैं पराली। तो अभी ये नीचे गिर गई है, अभी हम इसे तिरपाल से ढक देंगे, पहले ये जो लकड़ी है ना इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद फिर तिरपाल से ढक देंगे इसे। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे ढकेंगे हम, बारिश होने लग गई है, जल्दी जल्दी करते हैं भाई वीडियो करते बंद। तो भी गाइस हमने तरवाल से ढक दिया है पराली को, इसे हमारे डोगरी लैंग्वेज में पराली बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसे यही बोल रहा हूँ। अभी काम बंद कर देंगे क्योंकि अभी बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, हवा भी चल रही है भाई इतनी ज्यादा, हमारी पराली नीचे गिर गई भाई। गाइस अभी इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना, हमें अपना काम भी बंद करना पड़ गया और अभी मैं आ गया हूँ घर पे, ये देख सकते हो मैं पूरा भीग गया भाई। देखो कहाँ गए हम सनम साथ चलते, जहाँ दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। तो फाइनली गाइस थोड़ी देर पहले रुकी थी बारिश और उसके बाद अभी मैं आ गया हूँ जंगल में अपने जानवरों को लेके, और अभी इतनी मस्त हवा चल रही है ना, मजा आ रहा है जहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और नीचे देख सकते हो फौजी भाई के घर का काम स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर के लिए बारिश हो रही थी तो तब काम बंद हो गया था और अभी दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया है। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, अभी बादल तो है, मुझे लग रहा है कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश होगी, देखते हैं फिर भी क्या होता है। जिस दिन आप ये वाला ब्लॉग देखोगे उस दिन पैदल भी दिखाया है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश है, देखते हैं क्या होता है भाई, कल ही लगेगा पता है, आप परसों देख लेना कल क्या होगा। गाइस अभी हो रही है तगड़ी वाली बारिश, ये देखो भाई ये वाला पत्थर नहीं होता ना तो मैं पूरा भीग जाता, देखो बिल्कुल भी नहीं भीगा मैं जहाँ पे बैठा था पत्थर के नीचे। अभी बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं कब रुकेगी, धूप भी लगी है थोड़ी बहुत और साथ में बारिश भी हो रही है, पता नहीं कब रुकेगी। जे मेरे जानवर पता नहीं कहाँ पे चले गए, अभी देख रहा हूँ जहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहे है, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गए, पता नहीं कहाँ पे गए। मस्ती मकूं बड़े शहर में, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप लग रही है, अब देखो दोबारा से धूप लग गई है,
मुझे लग रहा है दोबारा से फिर बारिश पड़ जाएगी। क्या हो रहा है जी? गाइस जी देखो, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष आ गया भाई, कितना मस्त दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी अंधेरा हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ वापिस घर पे। अभी मैं आया था अपने खेत में गोबर फेंकने के लिए, तो अभी चलते है वापिस घर पे। आज मैंने बड़े दिनों बाद फेंका यार, अंधेरा भी होने जा रहा है, 5-10 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा फिर। आज गाइस ओवरनाइट काम कर रहे हैं तो अभी बाहर अंधेरा हो गया है। अभी बड़ी मम्मा ने बना दी है जहाँ पे चाय, तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ बड़े वाले ग्लास में। कप तो खत्म हो गए थे, जो भी कप थे ना उन वाले कपों में सभी को चाय दे दी है, तो अभी मैंने अपने लिए अलग चाय ले ली है ग्लास में। पीते है गाइस चाय और उसके बाद फिर कुछ काम करते हैं। जब गाइस मैं जंगल में गया था ना, तब तो इन्होंने थोड़ा सा सरिया डाला था जहाँ पे, अब देखो कितना सारा सरिया इन्होंने डाल दिया। और अभी रात के बज रहे हैं 8:30, जे वाली लाइटें लगा दिया रात को, जो हमारे घर पे लगाई थी। एक जे वाली लाइट है, एक वो वाली लाइट है, दोनों बड़ी बड़ी लाइटें हैं भाई, बहुत ज़्यादा इनकी लाइट है, पूरे गाँव में इनकी लाइट हो जाती है। तो अभी काम करते हैं अपना, देखो कितने आने लगे हैं। बोलो जय श्री राम। सच कर दे सपनों को सभी। आप शिव भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत बुरा लग रहा है। मास्क क्यों लगाए? कोरोना चली गई है। आठ बंदे सरिया को बांध रहे हैं। बस होगी। कैसे काम कर रहे हैं इतना जल्दी भाई? आधे से ज्यादा सरिया बांध दिया इन्होंने, अभी और बांध रहे हैं, बहुत ज्यादा सरिया बांध रहे हैं, जहाँ पे भी बांध रहे हैं ये जो जगह है। तो अभी गाइस सरिया बांधने वाला काम कंप्लीट हो गया, जी देखो पूरे छत को जहाँ पे अभी बैठ गए है। अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, चलते हैं गाइस घर पे, लाइट अभी हम करेंगे बंद। चलते हैं गाइस घर पे और घर जाके खाना खाते हैं, अभी रात का खाना भी बन गया है, तो खाना खाते हैं उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। तो अभी सभी खाना खा रहे है, देखो इतने जने काम कर रहे थे, बाकी तो अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी पीछे काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, सामान को इकट्ठा कर रहे होंगे। तो आज खाने में बना दी है मन्नू की थाली, तो इसमें बना है न्यूट्री और आलू चावल दाल। तो जे लोग खा रहे हैं इनको खाने देते हैं, उसके बाद हम भी खाते हैं। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11 और अभी रात के 11 बजे हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, और अभी हम चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। आज के इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप सभी को जो वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर दो लाइक, और चैनल पे जो भी नहीं है वो चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ कल लेकर अपने ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी। आगे देखना हम घर कैसे डालती है। अब सीधा लेंट्री डलेगा, थोड़ा बहुत और सरिया डालना है हमने कल, तो वो आप कल वाले ब्लॉग में देखना। तो आज के इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? 1K सब्सक्राइबर कर दो भाई इस वाले महीने में, शेयर करो वीडियो को दबा के भाई लोग। तो बाय बाय।